हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम जय सियाराम। तो चलिए दोस्तों, आज खास जानकारी लेकर आया हूँ ट्रक ड्राइविंग के लिए। जो भाई नहीं जानते हैं, नए नए आए हैं ट्रक ड्राइविंग में, वो टिपलर है बा 18 चक्का वाला क्या होता है और कैसे उस पर उठाया जाता है, उसको डाला जो मतलब खाली किया जाता है बाल को, और लोड करने के समय में कैसे उसको रखा जाता है जो उठ नहीं जाए। तो आप लोग की जानकारी लेकर आया हूँ, खास जानकारी लेकर आया हूँ भाई। प्लीज वीडियो देखिए आप लोग लंबे समय तक। चैनल पे न्यू है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे पेज को फॉलो कर लीजिए, और आप लोग भागिए मत, प्लीज भागिए मत, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहे हैं, जैसे हमें सेफ्टी पहन रखा हूँ, हेलमेट है, वर्दी है, सीट बेल्ट लगा रखा हूँ भाई। जैसे मैं कोयला खदान में घुसता हूँ, मेंस में घुसता हूँ, तो ये सब जरूरी होता है पहनने के लिए। नहीं तो क्या होता है भाई, प्राइवेट मेंस में जाते हैं तो पहले चेकिंग करेगा, जूता शूट ये सब देख रहे हैं, जो जूता पहन रखा हूँ भाई पहले चेकिंग करेगा फैक्ट्री में घुसने में, और उसके बाद टोपी चेकिंग करेगा, उसके बाद ये जो है आपका वर्दी चेकिंग करेगा, सीट बेल्ट चेकिंग करेगा। तो भाई ये सब पहले फर्स्ट आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो आपका कागज वगैरह जो है मतलब लोडिंग वोडिंग के लिए वो अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को जानकारी बता रहा हूँ, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, वो चाहे आप रास्ता में चल रहे हैं चाहे फैक्ट्री में चल रहे हैं, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है भाई। मेरा कितना बार चलान हो चुका सीट बेल्ट के लिए, इसलिए मुझे बहुत ध्यान रहता है भाई, क्या बताऊँ। तो आप लोग बता देता हूँ मैं, सीट बेल्ट भाई जरूरी लगाना है हर जगह, चाहे अभी आप चला रहे हैं, चाहे कंपनी में जाए, चाहे कोयला मेंस में रहें, चाहे रोड पे रहें, चाहे कहाँ भी रहें, आप ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं भाई, तो सीट बेल्ट जरूरी है लगाना। नहीं लगाओगे तो भाई आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ जब मामा मिलेंगे ना तो चलान मार देंगे बिना कहे पूछे, उस टाइम आपका बिगड़ेगा भाई, पॉकेट से पैसा लगेगा ना तो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं खास जानकारी लेकर आया हूँ। एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर बोल रहा था भाई 18 चक्का के वीडियो डालिए, 18 चक्का के वीडियो, तो उसके लिए भाई मैं टाइम नहीं मिलता था, और गाड़ी ऐसे नहीं कि गाड़ी में खड़ा करके वीडियो बनाऊँ, जब गाड़ी खड़ा हो जाता है, लोडिंग वोडिंग नहीं रहता है, काम नहीं रहता है, तो वीडियो शूट करता हूँ, वैसे ही शूट नहीं करता भाई, नहीं कि गाड़ी खड़ा कर देता हूँ और वीडियो शूट करने चल दिया, तो ऐसा नहीं काम है भाई। पहले जो पैड भरता हूँ जिससे मैं ना अपना, उस पर पहले ध्यान रखता हूँ, वीडियो बाद में तो शूट हो ही जाएगा जिस टाइम मुझे टाइम मिलेगा, तो क्यों भी ट्रक ड्राइविंग करता हूँ भाई, इससे तो मेरा पेट भरता है, मेरा परिवार चलता है। तो चलिए आप लोग को बता देता हूँ, प्लीज़ आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे चैनल को तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को बताते हूँ, आप लोग जैसे भी है ना भाई, ये ट्रक ड्राइविंग 18 चक्का वाला, तो इसमें क्या होता है, टिपलर हैबा बोलते हैं हम लोग, तो टिपलर हैबा बोलते हैं। तो भाई आप लोग को बताता हूँ, ये देखिए जो हम लोग को होता है ना, तो चलिए इसको हम निकाल देता हूँ भाई। और हाँ भाई, एक बात आप लोग को बता देता हूँ, जो मोटरसाइकिल वाले भाई होते हैं ना, वो हेलमेट नहीं लगाते हैं, हम लोग गाड़ी के अंदर में हेलमेट लगा के चलते हैं, बताइए बताइए क्या है। अरे मोटरसाइकिल वाले भाई, हेलमेट लगा के चलिए ना, आपका ये सेफ्टी के लिए है, मतलब कहाँ भी आप लोग थोड़ा से मिस हो गया क्या, सर उर फटने का डर नहीं रहेगा, तो आप लोग हेलमेट लगा के चलिए भाई। हम लोग इतना उछलते कूदते हैं तब भी मेरे को कुछ नहीं होगा, गाड़ी में केविन है, और केविन के अंदर में भाई फिर भी हेलमेट लगाया हूँ, तब बता दे रहा हूँ आप लोग को, प्लीज़ आप लोग भी हेलमेट लगा के चलिए, जो रोड पे कहाँ भी जाते हैं सड़क पे ना, तो ये हेलमेट काम करता है भाई। तो आप लोग के लिए जानकारी भाई, आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जो मोटरसाइकिल वाले भाई है, तो आप लोग हेलमेट ऐसे लगा के चलिए, खुले में मत चलिए भाई, नहीं तो मामा मिलेगा ना तो चलान मारवे करेगा भाई, और आप लोग को परेशानी जो है। तो चलिए हम बताते हैं अपना ट्रक ड्राइविंग भाई के लिए, नीचे उतरता हूँ तो आप लोग को दिखाता हूँ कैसे मुझे मतलब इसको उठाने पड़ता है, हैबा मतलब डाला जैसे अगर उठाना है तो कैसे उठाने पड़ता है। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ, क्या इसमें गियर होता है, कौन सा लीवर होता है। तो सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ भाई, 18 चक्का ये हैबा है, और आप लोग देख सकते हैं BS6 गाड़ी है, 18 चक्का हैबा है, BS6 गाड़ी है। अरे दो बिल चौक है ना, ये चक्का में यहाँ लगाने पड़ता है जाम, जो स्टेपलर है इधर देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ जाम लगाने पड़ता है कंपनी में जाने में, और इधर लिफ्ट है, ये लिफ्ट सिस्टम जो होता है ना, ये कभी कभी उठाने पड़ता है और गिराने भी पड़ता है भाई, तो इसलिए उसको मतलब गिरा हुआ रहता तो टेर ज़्यादा खाता है। और देखिए इसमें 3 लोक है भाई, एक नीचे है और 2 इधर है, तो आप लोग देख सकते हैं इतना लोक है, जो एक भी डैमेज हो जाए तो 2 काम करे, और आप लोग देख सकते हैं भाई टेर तो अभी सही है, टकाटक है।
रहता है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, एक पैर मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है, आप लोग को दिखा रहे हैं अभी। आप लोग वीडियो पे बने रहे, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे है पेज को फॉलो कीजिए प्लीज। आप लोग दिखा रहा हूँ भाई, इधर देख आप लोग देख सकते हैं, इधर जग एकदम है, वो प्रेशर जग है, ये जो हाइड्रोलिक वाला आप लोग देख सकते हैं, इसमें 100 लीटर का मतलब ऑयल इसमें आता है, हाइड्रोलिक ऑयल। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा भाई, उसमें जब लगता रहता है तो गर 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 उठा देता है पूरा, 90 टन का जग है भाई सिलेंडर, ये 90 टन का। तो आप लोग देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी गियर लगाने के लिए आप लोग को बताएंगे कैसे गियर लगाता है भाई। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए न्यूटन में भी है ये गियर न्यूटन में इधर लग गया वन गियर, और पीछे चल जाएगा रिवर्स गियर, उसको देखिए उसको उठाना है भाई, वो जो बटन उठाए ना उसको उठाना है। कैसे उठाना है, ऐसे उठा दिए उठ जाएगा। अरे भैया इससे थोड़ी गियर लगता है, इसे नहीं लगता है। चलिए अभी आप लोग को बताता हूँ, अभी आप लोग को बताता हूँ। चलिए तो ऐसे गियर नहीं लगता है भाई, ऐसे गियर नहीं लगता है, ऐसे गियर कैसे लगेगा भाई। चलिए आप लोग को गाड़ी स्टार्ट करने पड़ेगा तब भाई गियर लगेगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ, देखिए मीटर मेरा ऑन हो गया भाई, चलिए स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले क्या करूँगा मैं, क्लच दबाऊँगा, तो क्लच दबाता हूँ, देखिए क्लच दबा दिया इतना पूरा बोल्ट। उसके बाद क्या करूँगा, एक बटन है इसको भी हम अपने उंगली से उठाऊँगा, इसको लाल वाला बटन को देखिए ऐसे उठा लूँगा। अब इसको क्या करूँगा, ऊपर वाला गियर है जो, इसको उठा दिया, इसको थोड़ा सा उधर उठा के उधर कर दूँगा आगे की तरफ, वो चल गया, इसको क्लच छोड़ दिया। चलिए हम उतरता हूँ, अब यहाँ मेरा कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है, तो इधर उठ रहा है, काम हो रहा है अपना धीरे धीरे। तो एक्सीलेटर इधर देंगे ना, तो एक्सीलेटर इधर देने से रेस पकड़ेगा, हल्का हल्का मतलब रेस होगा, देखिए एक्सीलेटर देंगे तो हल्का रेस लो रेस बढ़ेगा, इसका मोशन बढ़ेगा धीरे धीरे, जल्दी उठेगा। तो इसमें भाई आप लोग देख सकते हैं तीन सिलेंडर रहता है, और तीन सिलेंडर रहता है जो 6-6 फुट का रहता है, एक सिलेंडर 6 फुट का रहता है, तो तीन वो इसी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बताएंगे भाई, आप डोन करना है, तो डोन करना क्या है, उसमें क्लच उलच कुछ नहीं दबाना है, इसको इसे बंद कर देना है वो बटन, यार इसको सीधा कर देना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ रुक जाएगा, नहीं डोन होगा नहीं ऊपर उठेगा, ये न्यूटन हो गया, वहाँ न्यूटन हो गया। उसके बाद इसको क्या करना है, गिराना है, तो इधर इसको दबा देना है, इधर कर देना है पीछे की साइड, तो देखिए गिर रहा है, आसानी से गिर रहा है। आप लोग जो नए नए भाई आए होंगे हवा पे टिपलर हवा पे, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को समझा रहा हूँ भाई, समझ जाओगे बढ़िया तरीके से, अच्छा से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने पड़ेगा कैसे उठाना है कैसे। बहुत भाई सोचते हैं, हम भी आए थे बहुत बार सोचते थे कैसे उठाना भाई, लेकिन मुझे उस्ताद एक बार सिखा दिया बता दिया तो बस हो गया मैं स्ट्रॉन्ग भाई। तो आप लोग देख सकते हैं बस न्यूटन हो गया। अब चाबी काट देता हूँ, बंद कर देता हूँ गाड़ी भाई, जग गिर जाएगा बंद गाड़ी में, जग गिर जाएगा मतलब डाउन हो जाएगा सिलेंडर, लेकिन उठने के टाइम में स्टार्ट करने पड़ेगा गाड़ी को, उठने के टाइम में स्टार्ट करने पड़ेगा, जैसे मैं स्टार्ट करके दिखाई ना वैसे करने पड़ेगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई अगर गलती उलती हुआ है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या मैं बताया नहीं बताना, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ नहीं बताई भाई, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम आप लोग को आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू चैनल सब्सक्राइब।